सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रो जंक्शन चैनल को और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान खान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो जंक्शन। आज देखिए हम इस नल को लगाने वाले हैं। ये लॉन्ग बॉडी है हमारे पास में स्विस कंपनी का, और ये देखिए ये शॉर्ट बॉडी है, ये भी स्विस कंपनी का है। दोनों सेम है, सिर्फ लॉन्ग बॉडी और शॉर्ट बॉडी। लॉन्ग बॉडी कहाँ लगेगा? ये लगेगा हमारे बाथरूम में, इसका यूज़ किया जाता है बाथरूम के अंदर लॉन्ग बॉडी का, और शॉर्ट बॉडी का कॉमन जगह पर। देखिए स्विस कंपनी का है ये लॉन्ग बॉडी में, और इसके पीछे जो प्लेट लगाई जाती है उसे फ्लंज प्लेट बोलते हैं, और इसके ऊपर टेफ्लॉन लगाकर लगाया जाएगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं पूरी इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि नल किस तरह लगाए जाते हैं और किन बातों का ख्याल रखना हमें ज़रूरी होता है, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। ये देखिए ये है वो फ्लंज प्लेट हमारी जो इस पर लगेंगी, और ये है वो टेफ्लॉन टेप, जिसे टेफ्लॉन टेप कहा जाता है, जो नल को लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं किन बातों का हमें ख़ास तौर से ख्याल रखना ज़रूरी होता है नल लगाने के लिए। तो देखिए ये बाथरूम है वो जहाँ पर नल लगेंगे आज। ये हमारा गर्म पानी का है, CPVC का ब्रास एल्बो है ये, और ये यहाँ पर एंड प्लग लगा हुआ है, तो ये निकाल कर हम नल लगाएंगे इसकी जगह पर। ये हमारा शावर का है, यहाँ पर हमारा शावर लगना है, यहाँ पर शावर लगेगा, और यहाँ पर जो है तो गीज़र लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में नल मौजूद है। इस नल को यहाँ पर पहले फ्लंज प्लेट लगा देंगे हम, इस तरह से फ्लंज प्लेट लगाना है पहले, और उसके बाद हमें ये टेफ्लॉन का यूज़ करना है। इस तरह से इसको हमारा अच्छे से टेफ्लॉन लगाना हो गया है। अभी हमें से इसकी फिक्सिंग करनी है, तो किस तरह इसकी फिक्सिंग करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए यह है मेरे पास में वो पाना जिसके ज़रिए हम फिक्स करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये लग जाएगा। सबसे पहले इसके ऊपर कपड़ा या दस्ती वगैरह कुछ भी रख देंगे हम, ताकि इस पर स्क्रैचेस ना आ सके, और फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको पानी के ज़रिए इस तरह से घुमाएंगे। कोई भी नल लगाने के बाद उसमें अगर सामने में कैप लगी हो तो उसे खोल लिया जाए, ताकि हमारे पाइपलाइन का कचरा साफ़ हो सके, नहीं तो उसमें अटक सकता है और हमारे जो नल का प्रेशर है वो कम हो सकता है। तो पहले उसका नॉब, जो नॉब कहते हैं, उसे नॉब खोल लिया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि ज़्यादा टाइट ना करें, जितना नल टाइट होता है उतना ही करें, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइट करेंगे हम तो क्या होगा कि ब्रास एल्बो क्रैक हो सकता है और उसमें से पानी लीक हो सकता है। और हमेशा कपड़े का इस्तेमाल करके ही नल को कसें, ताकि स्क्रैचेस ना आ सके उसके ऊपर, नल के ऊपर या और कोई भी एक्सेसरीज़ पर। और अगर आप ऐसे ही प्लम्बिंग की और एक्सेसरीज़ की फ़िटिंग का वीडियो अगर और चाहते हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइए, मैं आपको एक
बहुत ही बढ़िया वीडियो देने वाला हूँ जो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उसमें पूरा आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।